हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहना। और देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लांट हमारे शावर दे दिया था, क्योंकि दो तीन दिन छोड़ के मैं शावर देने लगी हूँ। तो देख लीजिए, दो दिन हो चुके थे, सारे प्लांट हमें शावर दे दिया है। और आज थोड़ी सर्दी तो है, पर कम है हमारे यहाँ पर। और देखिए, इधर वाले प्लांट भी काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी है। और आज टेरेस पर मैंने फ्रेंड्स बहुत सारा काम किया है, तो चलिए आपको टेरेस पे दिखाती हूँ क्या क्या काम किया है। नीचे तो फ्रेंड्स मैंने सिर्फ शावर दिया है, यही कि फ्रेंड्स शावर दे दिया है इनके सारे प्लांटों पे। और शावर देने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पाइडर प्लांट है, इसमें फ्लावर खिले हुए अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। और सबको मैंने फ्रेंड्स अंदर हल्की हल्की धूप मिल जाती है, तो सारे प्लांटों को इधर सेटल कर रखा है, ये देखिए। तो अब चलते हैं फटाफट से टेरेस पे, ये देखिए फ्रेंड्स। कल तो मैंने बैंगन की हार्वेस्टिंग करी थी और बैंगन की सब्जी बनाई थी। और गोभी तो फ्रेंड्स हमने जो अभी रखी हुई है, उनमें आलू और मटर मिलाकर उनको मिक्स करके बना लेंगे, मिक्स सब्जी बन जाएगी। और अभी चलते हैं फटाफट से टेरेस पर। और देखिए फ्रेंड्स, टेरेस पर आ चुकी हूँ। और आज है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ अलग किया है मैंने। तो इधर जो प्लांट थे फ्रेंड्स थोड़े बहुत, जो इनको मैंने डोली पर रख दिया है, क्योंकि इधर से धूल आ जाती फ्रेंड्स, तो क्या है कि थोड़ा सा पौधे इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज इधर भी सेटल कर दिया है। सारे प्लांट में अच्छे से पानी डाल दिया, दिखाती हूँ कि प्यारा सा फूल खिला हुआ है। और मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, देखिए फिर पतझड़ का पतझड़ आ रहा है। ये चांदनी का है, चांदनी का भी फूल खिला हुआ है, देखिए कलिया बन रही है। तो ये पीले पीले पत्तों को भी हटा देना चाहिए, मैं सबको हटा दूंगी। और ये सब खाद बनने में जाएंगे, पत्तियों की खाद बहुत अच्छी बनती है, ये देख लीजिए। और इधर देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाती बोगनविलिया। अरे यार मेरे, ये देखिए फ्रेंड्स, स्टेम थोड़ा लूज हो चुका है, कि बोगनविलिया है काफ़ी अच्छी, इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है। और बहुत ही है ना इजी प्लांट है फ्रेंड्स, इसको कम पानी में भी अच्छे से चल जाता है, ये देखिए कितना बिग साइज का। और ये अपरिजिता है, तो फ्रेंड्स अपरिजिता की हाल थोड़ी कुछ ऐसे ही हो रहा है, इसको ठीक करूँगी मैं। और इधर देखिए, ये है कनेर का, कनेर में फ्लावर अभी थोड़े बहुत ही आ रहे हैं। और इधर बेल पत्र है, इधर भिंगा का है, ये देख लीजिए। और पर्सलिन के भी खिले हुए हैं थोड़े बहुत। फ्रेंड्स मिट्टी मैंने रेडी कर ली है, इसके अंदर बर्मी कंपोस्ट मिला रखा है, और ये देखिए मिक्स करके रख रखा है। तो अभी मैंने सभी पौधों में ना इन बैंगनों में गुड़ाई कर दी, तो जैसे साइड ब्रांच नीचे की ये आ रही है, तो इसको कट कर दूंगी। और ये देखिए मिट्टी कितनी सख्त हो चुकी है, क्योंकि मिट्टी को लूज करेंगे तभी जाके ये ना फ्रेंड्स पौधों को ऑक्सीजन नीचे तक जड़ में जा पाएगी। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा फालतू खर्चा नहीं करती हूँ, जैसे टप है, बाल्टी है, इनमें ही मैं ना जो लगा देती हूँ, कट्टों में लगा देती हूँ। ये देखिए कम खर्चे में भी है ना, जो आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सख्त हो चुकी है। तो सर्दी है तो फ्रेंड्स सर्दी में पानी है ना बिल्कुल चेक करके डालना चाहिए। अब मैं पानी भी डालूंगी, खाद भी डालूंगी, तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये सारे ही पौधों में मुझे गुड़ाई करनी है, तो गुड़ाई करने के बाद मिट्टी डालनी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स पहले गुड़ाई कर लेती हूँ सारे पौधों में। तो देखिए गुड़ाई करने के बाद में जो भी मिट्टी के डेले बन रहे हैं उनको सबको फोड़ देना है, देखिए। और अब डाल रही हूँ खाद वाली मिट्टी, ये देखिए। क्योंकि है ना मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, केचुए होते हैं, तो फ्रेंड्स उनको भी भोजन चाहिए, तो मिट्टी उनका भोजन है, ये देखिए। ये डाल दिया, अब इसके ऊपर मैं सब में पानी वानी डाल दूंगी। तो देखिए इसी प्रकार से सारे ही पौधों में मुझे करना है ये काम। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे खरपतवार हटा दिए हैं, और अभी इसमें है ना मैंने सेम की बेल है मेरी, ये देख लीजिए, तो इसमें फ्रूटिंग अच्छी हो रही है। और मैं इसमें ना जो 15 दिन में एक बार मिट्टी डालते हैं वो डाल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में जो केचुए वगैरह होते हैं तो उनको भी भोजन चाहिए, तो एक बार से अच्छे से गुड़ाई कर देते हैं। और देखिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए भुरभुरी, तभी जाके इनकी जड़ फैल पाती हो। और हफ्ते में एक बार गुड़ाई करना चाहिए, क्योंकि गुड़ाई करेंगे तभी तो फ्रेंड्स इनको जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी, तभी इनके अच्छे से ग्रोथ होगी। देखिए गुड़ाई भी कर रही हूँ और साथ में मिट्टी भी डालती जा रही हूँ, तो ये देख लीजिए। पहले तो जितनी मिट्टी को डेले बन जाते हैं ना इनको फोड़ लीजिए आप, बस ये कि आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब फ्लावरिंग होती है रूटिंग प्लांट में, बैंगन के,
सेम की बेल हुई, टमाटर हुए, लौकी हुई, गिलकी हुई वगैरह, इनमें सब में। तो ये देख लीजिए, अब मैं डालूंगी मिट्टी। ये देखिए मैंने मिट्टी डाली कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने गुड़ाई कर दी है, बैंगन में, उधर वाले में भी कर दी है। और देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बैंगन आ रहे हैं। तो अब ये देखिए इधर ये वाइट वाले बैंगन है। तो अब मैं डाल रही हूँ मिट्टी। तो फ्रेंड्स, 15 दिन में मिट्टी डालना, हफ्ते में एक बार गुड़ाई करना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है फ्रेंड्स, इनको अगर फॉलो करते रहेंगे ना तो अपने है ना जो गार्डन में ढेर सारी सब्जियाँ भी आएगी, फ्लावर भी आएंगे, और इनको भी चाहिए, इनके भी खुराक है, इनकी भी देखभाल होती है पौधों की। जब जाके अब थोड़ी देर बाद में फ्रेंड्स पानी वानी डालूंगी। और ये देखिए सर्दी है, तो सर्दी में फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, गार्डन से है ना जो इतने सारे है ना, जो गोभी के पत्ते भी है और ये सेम के पत्ते कुछ खराब हो गए थे वो है, और ये देखिए मेथी लेके आए थे हम, तो मेथी कुछ खराब निकल चुकी है, गोभी के डंठल वगैरह है ये। तो फ्रेंड्स इनको ना जो मैं एक इस टाइप का कट्टा है, इसे जैसे सीमेंट वगैरह आता है उसका है, तो इसके अंदर फ्रेंड्स खाद बनाने के लिए इसको भर दूंगी। तो पहले मैं थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालूंगी, मिट्टी डालने के बाद में फ्रेंड्स इसके अंदर ये सारा किचन वेस्ट भरती जाऊंगी। और किचन वेस्ट भी है और गार्डन का भी है, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, सब डालते डालते इस पर जो खाद बन के आती है ना वो शानदार निकलती है। तो देख लीजिए ये ले लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं मिट्टी भरती हूँ। फ्रेंड्स मैंने मिट्टी भर दी है, अब इसके अंदर ये वाला जो है मेरे गार्डन से निकला हुआ है कुछ पत्ते हैं सब्जियों के, तो इनको सबको डाल देती हूँ मैं। ये देख लीजिए, इससे बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो जाएगी मेरे। और है ना सभी प्रकार के पत्ते भी होते हैं गार्डन के, सूखे पत्ते भी होते हैं। और ये देख लीजिए, लीजिए सभी पौधों में पानी वानी डाल दिया। कल तो ये फूल खिला हुआ था, मुरझा रहा है, इसको भी हटा देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, बोगनविलिया में काफ़ी अच्छे खिलने लग गए, थोड़ा मेरा स्टैंड ख़राब हो रहा है। और ये देखिए इधर से गुड़ैल के, और ये देखिए ये जो देसी अंग्रेजी गुलाब है फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है अब। और ये सारे पौधे वगैरह इधर उधर रख दिए हैं मैंने, देख लीजिए। और ये मेरा बेलपत्र का है। और फ्रेंड्स आज है ना मैंने सुबह 10 बजे के आसपास आने सभी पौधों में मैंने है ना जो छाछ और उसका राख का जो लिक्विड खाद है वो डाल दिया था, और थोड़ी सी उसके अंदर मैंने बर्मी कंपोज भी ले ली थी, पर मैंने है ना उसको शूट करना भूल गई, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा स्टैंड भी थोड़ा ख़राब हो रहा है इस वजह से। तो दिखाती हूँ फ्रेंड्स, सब में मैंने खाद डाल दिया, देख लीजिए ये 3 चीज का है, एक तो छाछ है, राख है, और एक बर्मी कंपोज है। इसको मिलाकर सारे पौधों में डाल दिया, क्योंकि इनमें अब से दोबारा से इनको एक ताकत चाहिए पौधों को। और ये देखिए धनिया थोड़ा थोड़ा उग रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा कलांचू है, तो कलांचू को मैंने आज है ना दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये छोटे गमले में लग रहा था और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, देख लीजिए। और फ्रेंड्स इसकी कटिंग भी लग जाती है, ये दो ही प्लांट मैंने बचा कर रख रखे थे सारी उसमें बारिश में। और ये देखिए पर्सलिन के तो फ्लावर खिले हुए हैं, और काफ़ी काम किया था। आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने फ्रेंड्स, ये मेरी सेम की बेल है, इसमें भी डाल दिया है मैंने। और इसमें भी देखिए बैंगन काफ़ी सारा आ रहा है, छोटे छोटे बैंगनों की फ्रूटिंग हो रही है अभी भी, ये देखिए। ये देखिए मॉर्निंग की क्लिप लगा दूंगी, गुड़ाई बुड़ाई भी करी थी, क्योंकि बैंगन के पौधों में गुड़ाई करी थी, कई सारे पौधों में भी गुड़ाई करी थी। और इसी के साथ मैंने आज एक काम और कर लिया है, तो वैसे कल शाम को वो शिफ्ट मैंने कर दिया था, और आज काफ़ी अच्छी है उगी है वो बेल मेरी। तो वो है मेरी है ना जो लौकी की बेल, तो फ्रेंड्स एक ही करेट में दो थी, और टमाटर के वगैरह पौधे बहुत सारे लग रहे हैं, पर टमाटर को धीरे धीरे से हटाऊँगी एक साथ, जब भी कोई संख्या में पौधे लग रहे थे तो एक साथ नहीं हटा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स नुकसान हो जाता है पौधों को। तो दिखा
ये फ्रेंड्स ये मेरी लौकी की बेल है और ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। इसके नीचे के पत्ते मैंने कट कर दिए हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी ऊंची जाएगी, अच्छी मतलब ऊपर ऊपर ये अपना भोजन ऊपर तक जाएगा तो अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और यहाँ पर एक लौकी की बेल थी जो मैंने उसको सेफ्टी से है ना फ्रेंड्स निकाल कर और ये वाला इस ग्रो बैग में मिट्टी खाली कर इसको तैयार कर आज इसको मैंने कल शाम को लगा दिया था। काफ़ी अच्छी हो गई है मेरी, ये देख लीजिए। तो इसको मैंने धीरे से और इसकी मिट्टी भी खाली करूँगी फ्रेंड्स, इसमें कुछ और लगाऊंगी। और ये देखिए गुड़ाई गुड़ाई कर दी है, दूसरा लौकी का है। तो ये लौकी के पौधे में बेल मेरी तैयार हो रही है और इधर है सेम की बेल है। तो फ्रेंड्स सेम की बेल में मैंने खाद डाल दिया है। अब देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें जो फ्लावर वगैरह आ रहे हैं ये देख लीजिए। फ्रेंड्स सारी छत की सफाई करी थी, पूरा धूला वूला हो रहा था, पूरा मिट्टी इधर उधर फैल रही थी। तो फ्रेंड्स आज मुझे काफ़ी थक गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही इनमें फ्री हुई हूँ, एक घंटा पहले ही नहा धो के फ्री होकर अभी टेरेस पर आई हुई हूँ। तो दिखाती हूँ फ्रेंड्स सारी मिट्टी मैंने इसमें भर ली है और कुछ मिट्टी को उन्हें निकाल कर मैंने इन्हें जो ग्रो बैग में से निकाल कर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। और ये देखिए इधर से फ्रेंड्स मैंने किचन वेस्ट से भर दिया है इसके अंदर काफ़ी सारा। तो देखिए मैंने किचन वेस्ट जो भरा था, गार्डन का जितना भी मेरा सूखा निकलता है फ्रेंड्स गार्डन से, जैसे सूखे पत्ते हैं, छिलके हैं और मेथी वेथी के छिलके भी पड़े रहते हैं, सब्जी के छिलके थे, सारे भर के मैंने इसको एक महीने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि एक महीने में ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। और इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने डाली है छाछ, तो छाछ सारे पौधे में डाली थी तो इसके अंदर भी डाल दिए। और छाछ से है ना कीड़े पड़ेंगे जल्दी से, ये सड़न फैलेगी और उनको कीड़ों का भोजन मिल जाएगा फटाफट से। तो इसी तरीके से ये सेम देखिए फ्रेंड्स, सेम कट्टा भी मैंने ऐसे रेडी कर रखा है। और इसके अंदर है ना फ्रेंड्स मैंने धनिया बोया भी नहीं था, मेरा धनिया फैल चुका था, दिवाली पर धनिया वगैरह लाते हैं जो, तो वो इतना अच्छा ग्रो हो गया है इसके अंदर। और किचन वेस्ट के अंदर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है ना सब्जियाँ होती है, तो आपको फेंकना नहीं चाहिए। गार्डन के जितने भी सूखे पत्ते वगैरह निकलते हैं किचन से निकलता है तो आप उनको है ना खाद के तौर पर है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है ना जो पौधों के लिए एक सोना खाद प्राप्त होती है। फ्रेंड्स इसको मैंने तो एक महीने के लिए छोड़ दिया है अब। और इसमें फ्रेंड्स ये काफ़ी इतनी हाइट थी इसकी और धीरे धीरे बैठते बैठते ये इतना चल जा चुका है नीचे। और इसमें किचन वेस्ट और फ्रेंड्स मैंने इसमें कोई भी इन्हें बीज नहीं डाला था, बस ये है कि झाड़ू निकाल कर सारे कचरा वचरा डाल दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आलू के जो छिलके होते हैं ना ऐसे, ये वाले ये भी है ना ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इसमें आलू के छिलके हैं और ये धनिया है, ये इस प्रकार से ये उगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे है कि किचन वेस्ट को फेंकना नहीं चाहिए, ये देखिए ऐसे ऐसे निकला हुआ है देखिए। तो हरा धनिया फ्रेंड्स इसमें काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाएगा। सर्दी के दिन बहुत छोटे होते हैं और आज तो फ्रेंड्स मुझे दिन भर लग गया साफ सफाई करने में, मिट्टी रेडी हो चुकी है मेरी। इधर मैंने इन्हें जो ये दो तगारियों में इन्हें मिट्टी रेडी कर ली है, उधर कैंचुला का है प्लांट है उसको मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट कर लिया है, काफ़ी सारे गमले मैंने खाली कर लिए हैं, गोभी के भी खाली कर लिए हैं। अब देखती हूँ फ्रेंड्स थोड़े से सर्दी के प्लांट फ्लावर प्लांट लाने का विचार तो है मेरा, देखती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अभी थोड़े गांव में जाने से मेरा थोड़ा वो हो गया है। और गांव में भी जाऊंगी तो फ्रेंड्स वहाँ भी है ना जो शुरुआत करने का विचार है, अब देखते कब जाऊंगी मैं गांव में। तो देखते हैं जो टमाटर के पौध वगैरह होगी तैयार होगी तो फ्रेंड्स इनके लिए भी है ना मैंने मिट्टी तो रेडी कर ली है। और इनको भी है ना फ्रेंड्स मैंने जो ग्रो बैग में एक ग्रो बैग में मैं दो पौधे लगा दूँगी बैंगन इसके टमाटर के, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और पौधे काफ़ी लंबी तैयार हो चुकी है, दिखाते हैं। ये इन्हें टमाटर की पौध तैयार कर ली है फ्रेंड्स, अब इनको धीरे धीरे से हटाना है, एक साथ हटाते हैं ना फ्रेंड्स तो काफ़ी मतलब जड़ों को डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से देख लीजिए मैंने फ्रेंड्स टमाटर की पौध को मैंने जो दो मेरे ग्रो बैग है उसको खाली करूँगी कल, और जो मिट्टी मैंने तगारी में रख रखी है तैयार करके उसको भरूंगी इसके अंदर, फिर मैं टमाटर की पौध उसमें शिफ्ट कर दूंगी, दो पौध लगाऊंगी एक गमले के अंदर। और आज का काम इतना ही, और एक काम और किया था फ्रेंड्स मैंने आज, मैं गांव गई थी फ्रेंड्स पीछे से मेरे शमी का पौधा है ना बिल्कुल सूख चुका था और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो आज मैंने उसको है ना जो सारी है ना कटिंग कर दी है और उसमें नई नई ग्रोथ निकल चुकी है। तो अब जाके मेरा पौधा थोड़ा अच्छा हुआ तब जाके आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसमें समय पर पानी नहीं डाला इसलिए, पर यह है कि मरा नहीं है मेरा पौधा, अभी है जिंदा है। और देखिए साइडों से ये कलियाँ निकलने ये पत्तियाँ निकलने लग गई है और काफ़ी है ना मैंने इसकी पूरी है ना पूरी हार्ड प्रोनिंग कर दी है, वैसे ग्रोथ चल रही है अभी अच्छा हरा भरा है मेरा पौधा, देखिए मैंने बिल्कुल हार्ड प्रोनिंग कर दिया आज इसकी। और ये देखिए मेरे कनेर में अभी ज़्यादा खास तो फूल नहीं आ रहे हैं, अभी थोड़ा सर्दी का मौसम है थोड़ा स्लो हो जाती है। और ये देखिए इसकी फली बनने लग गई है ये कनेर की, तो इनको मैं कट कर दूँगी, ये देखिए ऐसी फलियाँ बन जाती लंबी लंबी हो जाती है। और अब जाके मेरा पौधा सही हो पाया है ढंग से। इधर से है ना जो जितनी भी मेरे सेम की बेल है इसमें काफ़ी सारी अच्छी
फ्रूटिंग होने लग गई है, क्योंकि हर ये हैवी फिल्डर वेल है और फ्रेंड्स इसको बोनसाई कैसे बनाया जाता है इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है। पर आप ये कि जितनी इसकी लंबी बेल बनती है वहाँ से आपको टिप कर देना है, कट कर देना है और आपकी दो दो ब्रांच बन जाएगी और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी आपके छोटे से ही कैरेट का, क्योंकि कैरेट के हिसाब से फ्रेंड ज़्यादा बड़ी नहीं ले जा सकते। इसको दिखाती देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ही इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और सुबह मैंने खाद डाल दिया है, तो ये देख लीजिए काफ़ी अच्छी है ना, जो एक फैमिली के लिए तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मेरे है ना जो ये फली निकल जाती है। ये देखिए स्टार्ट में थोड़ी थोड़ी होती है, पर यह है कि आपको हफ्ते में एक बार इसमें ना जो खाद डालना ही पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी फ्रूटिंग ले पाएंगे। ये देख लीजिए एक फली है, अब फ्रेंड्स ये एक फली है थोड़ी सी और बड़ी होने दे इसको जब तोड़ूंगी। और ये देखिए इनके पास में मरुआ है, तुलसी जी है, ये सारे पौधे रखे हुए हैं। ये देखिए ये बेल है थोड़ी नाजुक चल रही है क्योंकि फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही है, और ये वाली मेरी लौकी की बेल काफ़ी अच्छी चल रही है। आज मैंने ढेर सारा काम कर लिया है मेरी टेरेस का, अच्छे से सारे पौधों की देखभाल हो चुकी है और अब चलते हैं नीचे। और देखिए फ्रेंड्स अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, टाइम हो चुका है 6 बज चुकी है, क्योंकि फ्रेंड्स सारा दिन हो गया आज काम करते करते और छोटा दिन होता है इसलिए लग गया टाइम। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगर आज का मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।